उसको हम सार्वत्रिक सत्य या सार्वभौमिक सत्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एक वैज्ञानिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि वैज्ञानिक सत्य जो हैं वो भी तो एक प्रकार के सार्वभौमिक सत्य ही होते हैं। मैंने आपको कहा कि लकड़ी पानी पर तैरती है, तैरती थी और तैरती रहेगी। मैंने कहा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उबलता था, उबलता रहेगा, यानी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अंदर जो काम उसी रूप में समान रूप में निष्पादित होते हैं, तो इस प्रकार के जो काम है उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो मैंने सेंटेंस बताया आपको, वाटर लिखेंगे आप वाटर, और आपको दे दिया इधर खालिस्तान में बॉयल, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि निश्चित समय स्थान गति कीमत आदि के लिए एट का प्रयोग होता है, मैंने बताया आप। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर एक वैज्ञानिक सत्य है, यहां पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल का बनाने के लिए इस वर्ब को बाहर निकालूंगा और जो बॉइल है उसमें मुझे एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट वाटर है। क्या होता है वाटर? वाटर है एक मटेरियल नाउन, वाटर है एक धातुवाचक, द्रववाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। और आपको ये पता होना चाहिए कि तीन संज्ञाएं ऐसी होती है एम ए पी, इनका कभी बहुवचन बनता ही नहीं है, ये हमेशा एक वचन होती है और अपने लिए हमेशा एक वचन क्रिया लेती है। एम का मतलब मटेरियल नाउन, हिंदी में धातुवाचक, द्रववाचक या पदार्थवाचक। ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको कहेंगे भाववाचक। लव इज गॉड, लव्स आर गॉड नहीं कह सकते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट